अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज कस्बे से, जहां पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की यौम ए पैदाइश यानी ईद मिलादुन्नबी पर रविवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने जश्न मनाया। सिर पर रंग बिरंगा साफा बांधे बड़े बुजुर्ग और बच्चे हाथों में झंडियां लहराते हुए नबी के आने का पैगाम दे रहे थे, तो लबों पर सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा जैसे रसूल पाक के नजरानों से नगर की फिजा में नूरानी रंग भर गया। प्रशासन द्वारा जुलूस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। आज नगर में निकले जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्म गुरु अनुयायी शामिल हुए। आज का दिन बड़ा ही बाबरकत का दिन है। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख है और यही वो तारीख है जिस तारीख में हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। आज हजरत आज हमारे नबी का जन्मदिन है और ये दुनिया का दस्तूर रहा है कि अपने महबूब का लोग तذکرہ करते हैं और उनकी याद करते हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी पर खुशियां मनाते हैं। ये ज़माने का दस्तूर रहा है, इसी का लिहाज करते हुए हम लोगों ने भी खुशी का इजहार करने का खुशी के इजहार करने के बहुत सारे तरीक़े होते हैं। उनमें से एक तरीक़ा जुलूस निकालना भी होता है, लोगों को बताना भी मकसद होता है। इस जुलूस के ज़रिए से एक अहम पैगाम भी जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तारीख को इस जहां में तशरीफ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तो ख़ास जो पैगाम था वो ये है, अमन व शांति का पैगाम था कि हर इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करे, एक दूसरे का एहतराम करे, एक दूसरे के दुख और दर्द में काम आए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जब देखा जाता है, जब हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा जाता है, तो मालूम होता है कि यतीमों की हर वक्त हर लम्हा आपने खबरगिरी की। अमन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, है ना? आम लोगों के लिए पैगाम यही है कि आपस में एक दूसरे से मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे के दुख और दर्द में काम आना चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसान का मतलब ही यही होता है कि एक दूसरे से मोहब्बत की जाए, नफ़रत को दूर की जाए।